हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में कितने टाइप के टावर यूज़ होते हैं। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि ट्रांसमिशन लाइन कितने केवी से स्टार्ट होती है, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, इंडिया में जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें मोस्टली जो टावर यूज़ होते हैं उनको हम चार टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है ए टाइप, एक होता है बी टाइप, एक होता है सी टाइप, एक होता है डी टाइप। तो ये चार टाइप के टावर मोस्टली यूज़ होते हैं। अगर सिंगल सर्किट की लाइन है तो कोई उसको एस ए लिख देगा, मतलब सिंगल सर्किट ए टाइप टावर, और अगर बी टाइप का टावर है तो एस बी लिख देगा, सिंगल सर्किट बी टाइप टावर, एस सी लिख देगा, सिंगल सर्किट सी टाइप टावर, एस डी लिख देगा, सिंगल सर्किट डी टाइप टावर। ये हर कंपनी का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, बट जो मोस्टली यूज़ होते हैं जो ए बी सी डी, ये चार तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके आगे कंपनी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका नाम चेंज कर लेती है। तो मोस्टली कई कंपनियां अगर डबल सर्किट का टावर है तो डी बी यूज़ करती हैं उसके आगे, तो डी ए हो जाएगा, डी बी, डी सी, डी डी, इस टाइप से इस कैटेगरी में ट्रांसमिशन लाइन के टावरों का यूज़ होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ए टाइप का टावर कैसा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसमिशन लाइन में दो टाइप के इंसुलेटर यूज़ होते हैं, एक होता है सस्पेंशन इंसुलेटर, एक होता है स्ट्रेन इंसुलेटर। इसके लिए मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि ए टाइप का टावर क्या होता है। दोस्तों, जो ए टाइप का टावर होता है वो सस्पेंशन टावर होता है, मतलब उसमें जो एंगल होता है वो 0 डिग्री एंगल होता है। तो ए टाइप के टावर को हम 0 डिग्री के एंगल पे यूज़ करते हैं मोस्टली, लेकिन अगर टेक्निकली जाएं हम तो उसमें ए टाइप के टावर को हम 0 से 2 डिग्री तक यूज़ कर सकते हैं, और जो बी टाइप का टावर होता है उसको हम 2 से लेके 15 डिग्री तक यूज़ करते हैं, और सी टाइप का जो टावर होता है उसको हम 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक यूज़ करते हैं, एंड डी टाइप का जो टावर होता है उसको हम 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक यूज़ करते हैं। अगर बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, अगर 60 से ज़्यादा एंगल हो जाए तो क्या करते हैं। अगर बाई चांस, वैसे तो कोशिश यही करते हैं कि 60 के अंदर ही रहे एंगल, अगर एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए फिर अलग से एक टावर डिज़ाइन करना पड़ता है, तो उस टावर को हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बी टाइप का टावर कहाँ पे यूज़ होता है। तो जो बी टाइप का टावर यूज़ होता है वो 2 से लेके 15 डिग्री तक यूज़ होता है, तो इसको हम टेंशन टावर बोलते हैं या इसको हम एंगल टावर भी बोल सकते हैं। जो एंगल टावर का मतलब ये होता है कि ये टावर एंगल पे लगा हुआ है, इसीलिए हम इसे एंगल टावर भी कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों, ये जो बी टाइप का टावर है ये एज ए सस्पेंशन 0 डिग्री पे भी यूज़ किया जाता है, होता तो ये टेंशन टावर ही है पर कभी कभी इसको 0 डिग्री पे भी यूज़ करते हैं। तो वो 0 डिग्री पे क्यों यूज़ करते हैं उसके लिए हम फिर किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक पे आते हैं वापस। तो अब हम बात करते हैं कि सी टाइप का टावर कहाँ पे यूज़ होता है। जो सी टाइप का टावर होता है वो 15 से लेके 30 डिग्री तक यूज़ होता है, तो जिसको हम टेंशन टावर बोलते हैं एंड एंगल टावर भी इसको कह सकते हैं। बी सी दोनों ही एंगल टावर और टेंशन टावर होते हैं, तो सी टाइप के टावर को हम 15 से लेके 30 डिग्री एंगल तक यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डी टाइप का टावर कहाँ पे यूज़ होता है। तो डी टाइप का जो टावर होता है वो हम यूज़ करते हैं मोस्टली 30 से 60 डिग्री के एंगल पे, एंड डी टाइप के टावर का यूज़ और भी कई जगह होता है, जैसे अंडर क्रॉसिंग में। कई जगह क्या होता है कि दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमारी लाइन 220 केवी की है
और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लाइन जा रही है वो 400 केवी की है, मतलब हमारी लाइन से उसकी वोल्टेज ज़्यादा है, तो हम अपनी लाइन को उसके नीचे से लेके जाएंगे, उसमें हम गैंट्री दोनों तरफ एक एक गैंट्री लगाएंगे, तो उस गैंट्री से पहले जो टावर लगता है वो डी टाइप का टावर लगता है, उसको हमें उसका जो एंगल होता है उसको हमें मेंटेन करना होता है 0 से लेके 15 डिग्री तक सिंगल साइड। तो बाकी डिपेंड करता है कि कंपनी की सिचुएशन क्या है, वहाँ पे लोकेशन कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी उसको कितने डिग्री के एंगल पे लेके जा रही है, एंड फील्ड कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने डिग्री पे लेके जा रही है। एंड डी टाइप का टावर जिस जगह पे दोस्तों रेलवे क्रॉसिंग आएगी वहाँ पे तो डी टाइप का ही टावर यूज़ होगा, जिस जगह पे एनएच क्रॉसिंग आएगी दोनों तरफ उसके भी दोनों तरफ डी टाइप का टावर लगेगा। एंड पावर लाइन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पावर लाइन में डी अगर अंडर क्रॉसिंग करनी है तो भी डी टाइप का यूज़ होगा, अगर उसको हमें ओवरहेड लेके जाना है, मतलब हमारी लाइन 220 केवी की है एग्जिस्टिंग लाइन भी 220 केवी की है, उस केस में हम ओवरहेड जा सकते हैं, वहाँ पे एक्सटेंशन बढ़ा के हम अपनी लाइन को उसके ऊपर से लेके जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी डी टाइप का टावर यूज़ होगा। बट इसमें भी एक कंडीशन है, बहुत सारी कंपनियाँ अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज़ करती हैं, जैसे अगर पावर ग्रिड की बात करें तो अब जो पावर ग्रिड का नया डिज़ाइन है वो एज़ पर एंगल भी पावर लाइन क्रॉसिंग में टावर यूज़ कर रही है, मतलब उसमें जितना एंगल है उस एंगल के हिसाब से वो टावर को यूज़ कर रही है। तो ये वही मैंने पहले बताया कि कंपनी के स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है कि कंपनी किस टावर के हिसाब से अपनी लाइन को क्रॉस कर रही है, अगर कोई बड़ा रिवर है तो वहाँ भी डी टाइप का टावर यूज़ होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में कितने टाइप के टावर यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, एंड टेक्निकल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।